गाइज, हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे ही सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि उसे बचाने के लिए जो हम कर सकते थे हमने किया, रिश्ता बचाने के लिए जो वो कर सकती थी उसने की, मुझे खुश करने के लिए जो वो कर सकता था उसने किया। सो गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी पड़ेगी। पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ कर देनी है मेन वर्ब, इसके बाद व्हाट के बाद फिर से सब्जेक्ट, इसके बाद कुड के बाद आपको यूज़ कर देनी है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। उसे बचाने के लिए जो हम कर सकते थे हमने, वी डिड व्हाट वी कुड टू सेव हिम, वी डिड व्हाट वी कुड टू सेव हिम। मुझे खुश करने के लिए जो वो कर सकता था उसने किया, ही डिड व्हाट ही कुड टू मेक मी हैप्पी, ही डिड व्हाट ही कुड टू मेक मी हैप्पी। रिश्ता बचाने के लिए जो वो कर सकती थी उसने की, सी डिड व्हाट सी कुड टू सेव द रिलेशनशिप, सी डिड व्हाट सी कुड टू सेव द रिलेशनशिप। कोरोना से बचने के लिए जो कर सकते थे सबने किया, Everyone did what they could to avoid corona. Everyone did what they could to avoid corona. उसे चिढ़ाने के लिए जो हम कर सकते थे हमने किया, We did what we could to tease him. We did what we could to tease him.